नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिवोष बुढाथोकी पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई कडा चेतावनी दिएका छन् कोरोना महामारीकै बेला प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई काश्मीरबाट अविलम्ब फिर्ता हुन आग्रह समेत गरेका छन् यदि त्यहाँबाट अविलम्ब फिर्ता नभएमा आफूले कडा कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिएका छन् त्यसैले यो भिडियो तयार पारेका छौँ हामीले अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतलाई कडा चेतावनी दिएका छन् उनले काश्मीर लगायत विभिन्न क्षेत्रमा भारतले देखाएको दादागिरीको घोर भत्सना गर्दै अब त्यहाँ आए गोली ठोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् हेर्नुहोस् पुरा भिडियो चन्दन चन्दै मकबुजा कश्मीरमा पुलवामा वाक्या हुने ती रेस्पोन्ड गरा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया ना कोई एविडेंस ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे कोई अहमद भी इस तरह का वाक करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सेबाइज करने के लिए और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है हमारे पास हमने पंद्रह साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें सत्तर हजार पाकिस्तानी मारे गए हैं एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है अमन आ रहा है स्टेबिलिटी आ रही है हम क्यों को यह इस तरह का इससे हमें फायदा क्या है और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है तो बजाय यह कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ को डायलॉग शुरू करें आगे बढ़े ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप मैं आपको वाजे तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है ये नई माइंडसेट है नई सोच है हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आके कोई पाकिस्तान में दहशत गर्दी करे तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं किसी किस्म की आप तहकीकत करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलवस था हम तैयार हैं अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है वो हमें दे मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं जो अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे से दुश्मनी है ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है और दूसरी चीज जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए मैं आपको यह कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खत्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खत्ते में दहशतगर्दी खत्म हो पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ सत्तर हजार पाकिस्तानी मारे गए हैं दहशत गर्दी में हमारा सौ अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशत गर्दी से लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए लेकिन मैं आपसे आखिर में दो चीजें कहना चाहता हूं देखिए हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया कोई तो वजह होगी क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन जुल्म करना मिलिट्री के जरिए मसला हल करना क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा अगर आज अफगानिस्तान के अंदर सत्रह साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से डायलॉग से मसला हल होगा क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं आवाजें सुन रहे हैं मीडिया पे सुन रहे हैं पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए स्ट्राइक चाहिए पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज जूरी और एक्सीिक्यूशन बनने की इजाजत देता है ये कौन से इंसाफ के के निजाम में है दूसरी चीज आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में आ, 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 बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर जवाब देने के बगैर और उसके बाद बात किधर जाती है हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता है इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रवेयर

पीडा एउटै हो त्यसैले अब भारत विरुद्ध यी देशहरू सबै एकजुट भएर लड्नुको विकल्प छैन यो कुनै उत्तेजनामा आएर गरिएको कुरा होइन यो यथार्थपरक कुरा हो